वेन है, लाडला तो है यार, आई मीन देयर इज नो ऑप्शन। नरेश दलाल के बारे में मैंने जितना सुना है, मैंने यही सुना है कि इज अ कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ किंग। फिजिकल फाइट अलाउड नहीं है हमारे सीजन में भी। आई थिंक अर्चना ने कहीं ना कहीं शिव को वो किया था, तो उसे घर से निकाल दिया गया था उसी रात। सिक्योरिटी मुझे करण की साइड से ज्यादा दिखती है कंपेयर टू अविनाश, उसका कोई गेम ही नहीं है। अभी लेटेस्ट बात करें, जिस तरह से स्टार्ट करते हैं विवियन से, राइट? विवियन को हमेशा से बिग बॉस ने खुद बोला कि घर का लाडला, मेरा लाडला, राइट? दूसरे कंटेस्टेंट के लिए कितना ये जायज? बिग बॉस है यार, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर दूसरे कंटेस्टेंट को लाए हैं, ऑफ कोर्स उनको वो ऐसा फेंकेंगे नहीं, बट कुछ। अब जैसे एक माँ होती है, उसके 10 बच्चे होते हैं, तो एक तो लाडला कहीं ना कहीं होता ही है ना, या लाडली होती है कहीं ना कहीं, तो वैसा है। तो आई थिंक बाकी बच्चे भी बच्चे ही होते हैं, तो आई थिंक वैसे ही कुछ है बिग बॉस का भी। तो विवेन है, लाडला तो है यार, आई मीन देयर इज नो ऑप्शन। या इसके अलावा जो अविनाश को आसिम रियाज के साथ जोड़ रहे थे लोग, अभी तो ठीक ठाक है, बट अविनाश का जो एग्रेसिवनेस था, आपको कैसा लगा? कितना? मैं अविनाश से जितनी बार भी मिला हूँ बाहर, वो मुझे बहुत ही काम पर्सनालिटी लगता था, बहुत ही सुलझा हुआ काम पर्सनालिटी, बट अंदर थोड़े से मैंने उसके ऐसे शेड्स देख लिए कि जिसमें वो बहुत गुस्से वाला है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप ऐसा रिएक्ट करते हो, बट आई हैव सीन इस गेम थोड़ा बहुत जब वो जेल में था और वो सब, तो उसने राशन नहीं दिया और ही टुक द राइट चॉइस कि लोगों ने अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए मांग रहे थे रिगार्डलेस ऑफ वट एवर। सो इज डिसीजन राइट, आई थिंक वट एवर ही डिड इनसाइड और ही स्टिल डूइंग इनसाइड, तो आई थिंक इट जस्टिफाई है। ठीक है, मतलब गेम है, अपने हिसाब से खेलो। अविनाश की दोस्ती को लोग दोस्ती से बढ़ के बता रहे हैं और दिख भी रहे हैं हल्का हल्का, आपको भी ऐसा लग रहा है? अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखो आगे आगे क्या होता है। तो अंदर बने रिश्ते बाहर ही आगे दिखते हैं। अंदर तो ठीक है, आपको सबके साथ कुछ ना कुछ आप बातें करते हैं, और आपको आप एक दूसरे के साथ इतने दिन रहते हैं 24 घंटा, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक लाइकनेस एक दूसरे के लिए आ जाती है। लेकिन हाउ इट्स जस्टिफाइज वो बाहर आके ही पता लगेगा। तो अभी बहुत जल्दी है, तो बाहर आए और देखते हैं। दोनों मैच्योर हैं, दोनों को पता है वो क्या कर रहे हैं, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मैं इसलिए पूछा क्योंकि अरविंद से मैंने पूछा, तो अरविंद ने ये बोला था कि श्योर, क्योंकि उनको भी ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि उनको दोस्ती से बढ़कर कुछ लग रहा था। सी आई डोंट वांट कमेंट, ही इज समथिंग, ही रीड्स माइंड और समथिंग, जितना मैंने सुना है। बट आई एम अ मास्टर इन साइकोलॉजी, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी है, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। बट ऐसे तो आई थिंक करण और लोग उनका नाम भी जोड़ते हैं, चुम का नाम भी जोड़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली, अभी एक महीना ही सबको अंदर हुआ है, अभी हो सकता है शायद आगे ऐसे टास्क आएँ कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, यू नेवर नो, तब आपको दिखेगा। तो आई थिंक अभी एक दोस्ती है, एक लाइकनेस है, ठीक है, चलने दो, आगे देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। दलाल की गेंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नरेश दलाल के बारे में मैंने जितना सुना है, मैंने यही सुना है कि इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल काइंड ऑफ किंग, और वो बाहर भी ऐसे ही हैं और अंदर भी ऐसे ही हैं। सो ही इज़ जस्टिफाइंग हिज पर्सनैलिटी, हिज कैरेक्टर। सो ठीक है, बेपाक आदमी है, दबंग है, और वैसे ही वो चल रहा है, और आई थिंक वो किसी के सामने झुक नहीं रहा, दैट्स हिज पर्सनैलिटी, सो विच इज़ वेरी वेरी गुड ऑफ हिम, ही इज़ कंटिन्यूइंग दैट। उसको किसी का डर नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ बींग ऑन नेशनल टेलीविजन, तो दैट्स गुड यार, दैट्स गुड, दैट्स हिज पर्सनैलिटी, यही तो चाहिए बिग बॉस में, जस्ट बी यू, जस्ट बी रियल। या सारा खान का भी जो आपने लेटेस्ट देखा कि जिस तरह से उन्होंने यू नो अविनाश को स्क्रैच किया यहाँ पर, नहीं मैंने देखा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उसने गुस्से में आकर के बहुत दिनों से उसको पोक किया जा रहा था, तो उसका लास्ट ही गुस्सा होता, उसने अविनाश को बहुत खींचा यहाँ और ईशा के बाल खींचे, बहुत सारी चीज जिसको लेकर के यू नो बहुत सारी उनको डांट भी पड़ी कि मतलब तुम नेशनल टेलीविजन पर वो गालियाँ बकरी हो कि अविनाश को, दोनों जो ईशा और कैलेश को बोलते कि तुम उसको डायपर पहनाती हो, बहुत सारे वर्ड्स यूज किए, गालियाँ बकरी जो नहीं करने चाहिए थे। क्या लगता है सारा का ये गुस्सा, उनके हस्बैंड ने ये कहा कि उसको पोक किया गया कई दिनों से, उसको पोक किया गया, इस वजह से उसका गुस्सा पड़ा? यार बिग बॉस गेम इज़ ऑल अबाउट पोकिंग ओनली, आई थिंक आपको जितना पोक करेंगे आप उतना ही ट्रिगर होंगे, तो वही कामनेस आपको रखनी है अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल फाइट अलाउड नहीं है हमारे सीजन में भी। आई थिंक अर्चना ने कहीं ना कहीं शिव को वो किया था, तो उसे घर से निकाल दिया गया था उसी रात। तो इस वक्त सारा को अगर नहीं निकाला गया, सो आई डोंट नो, दैट्स देयर डिसीजन, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे कि आप घर की चीज़ें तोड़ें या आप किसी और को, आपको जुबान दी है ऊपर वाले ने, तो आई थिंक आप उसका यूज़ करिए। अगर आप
आपके बस की नहीं है उसको यूज़ करना, या आप उसको अच्छे से नहीं यूज़ कर पा रहे, तो आप शांत रहिए एंड प्ले योर गेम. सो दैट्स दी ओनली थिंग. सो आई थिंक बाकी वो सही नहीं था. सो इट्स नॉट अ राइट काइंड ऑफ अ मूव. या करण के बारे में क्या कह रहे हैं? करण बहुत मिसोडिस खेल रहे हैं, हालांकि लोग सलमान खान हमेशा ये बोलते हैं तुम सामने नहीं खेलो. ही इज प्लेइंग बैक गेम. या ही इज प्लेइंग ऑन बैक फुट और आई थिंक दैट्स हिज गेम. दैट्स हिज, क्योंकि उसको दिख रहा है कि सब फ्रंट पे खेल रहे हैं तो मैं बैक पे क्यों ना खेलूं. सो और इट्स वर्किंग फॉर हिम. सो आई थिंक जब तक वर्क कर रहा है तब तक करते हैं वर्क, और उसके बाद देखेंगे क्या करता है, कब आएगा वो फ्रंट फुट पे. या आपके हिसाब से यू नो करण और अविनाश की जो हमेशा टू-टू में उसी है, इनसिक्योरिटी है या फिर ये सच में कुछ फाइट किया हुआ ऐसा कुछ होता है? मुझे ऐसा लगता है कि करण की तरफ से मुझे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी दिखती है, नॉट अविनाश की साइड से, बिकॉज इज अ गुड लुकिंग चैप अविनाश, और वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें कही यार उसने भी उसके आई थिंक फैमिली के बारे में कुछ बोला था, पेरेंट्स के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था. हाँ तो वो भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप जब बोल रहे हो तो आप सुनने की भी क्षमता रखो, तो वैसा कहीं ना कहीं है. तो इनसिक्योरिटी मुझे करण की साइड से ज़्यादा दिखती है कंपेयर टू अविनाश, बिकॉज अविनाश इज लाइक नो केयर एटीट्यूड है उसका बेसिकली. सो दैट्स व्हाट इज कंटिन्यूइंग डूइंग दैट. या जो दोनों वाइल्ड कार्ड हैं आपके हिसाब से, मतलब उन्होंने बहुत दावे किए थे घर में जाने के बाद, आपको भी लगता है कि उन्होंने कुछ आग लगाई है, कुछ किया? यार मैंने ज़्यादा उनको देखा नहीं, क्योंकि मैं जानता भी नहीं हूँ उनको कौन है. मुझे बाद में बताया गया कि वो स्प्लिट्स विला से आए हैं, तो स्प्लिट्स विला अलग गेम है यार, कपल की गेम है, ये बिग बॉस है, थोड़ी बड़ी जर्नी है, बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं अंदर. तो या तो आप ख़त्म हो जाते हो या फिर आप छा जाते हो. तो अभी आई थिंक इट्स वेरी अर्ली टू से अबाउट देम. आई थिंक एक दो हफ्ते ही हुए उनको आए हुए. सो आई थिंक थोड़ा सा टाइम बीतते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है. आपके हिसाब से कौन मुझे ऐसा लग रहा है टॉप थ्री करणवीर और कहीं ना कहीं और कौन है नहीं रजत कहीं ना कहीं मैं टॉप थ्री में इन तीनों को देख रहा हूँ. अगर किसी लड़की को रखना है टॉप थ्री में तो मुझे कहीं ना कहीं वो चाहत का है कि अगर तीन में से एक लड़की होगी तो वो शायद कहीं ना कहीं चाहत हो सकती है. उसे पता ही नहीं वो क्या कर रही है, उसका कोई गेम ही नहीं है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रही है. वो जस्ट फ्लो के साथ जाती है, उसको कोई ट्रिगर कर देता, कोई कुछ बोल देता तो वो चीखने लग जाती है, वो बातें करने लग जाती है, वो तो बस वही सब उसका चल रहा है. तो आई थिंक उसको थोड़ा सा और वक्त लगेगा समझने में, बट एंटरटेनिंग है, ठीक है, जो भी है कर रही है, अभी चल रहा है उसका. या